तो ये ब्रिज के जो कि एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके फाउंडेशन पिलर्स आप देख सकते हैं, ये आ जाते हैं एस मोड़ से पहले, यानी अब नगरोटा से जब आप आगे जाते हो और बन टोल प्लाजा से पहले आपको देखने को मिलेगा फाउंडेशन पिलर्स एक्सप्रेसवे का काम। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी समय के बाद वीडियो आ रही है और साथ में फेसबुक पर नया पेज बनाया मैंने बेघर ब्लॉग्स करके, जिसपे पुराने वाले पे थोड़ी सी पॉलिसी को लेके या कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसके उस पर भी वीडियोज़ आएंगी। बट आप इस वाले पेज को फॉलो कर दे फेसबुक पे और यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल्स देखने के आप शौकीन हैं। और रोड की अपडेट्स चाहिए, जम्मू श्रीनगर हाईवे की अपडेट्स चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यूट्यूब पर। हाइट देखें यार, एक बार आप फाउंडेशन पिलर्स की हाइट देखें, अभी और ऊपर ऊपर ही हाइट जा रही है, जो सीधा ऊपर मोड़ काट के अगर आप पहले इस रोड पर ट्रैवल करें आपने सीधा ही ऊपर वाले रोड से जाके मिलने वाला है। जितनी आपको पहले चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी इतनी मोड़ों से कर्व से, वो सब अब कम होने वाले हैं, आपका टाइम भी बचने वाला है, ये देख सकते हैं। और साथ में इसी वीडियो में अभी आप ये देख रहे हो एक्सप्रेसवे का और भी काम दिखाऊंगा मैं, सिद्रा वाली साइड कुंजवानी से अंदर जाते हुए और कालूचक वाली साइड सांबा से पहले और सतवारी के बाद वाले वहाँ पे जो ब्रिजेस का काम जो फ्लाईओवर्स का काम हो रहा है वो भी आपको इसी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है और अब इस चैनल पर इस टाइप की और भी अपडेट्स आने वाली हैं, तो ये देख सकते हैं। बाकी काफ़ी भाई सोच रहे होंगे मैं काफ़ी टाइम से गायब था, वीडियोस नहीं आ रही, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे। और साथ में ब्रिजेस की हाइट देख लें, अभी ब्रिजेस तो बने नहीं, अभी तो फाउंडेशन पिलर्स रखे जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कालूचक वाली साइड, यहाँ पर देख सकते हैं इतने ज़्यादा पिलर्स और इतने लंबे ये ब्रिजेस फ्लाईओवर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में नीचे वाला रोड को भी और वाइड कर दिया गया, और नीचे वाले रोड की ना जो पुराना वाला रोड था उस पर ब्लैक टॉपिंग का काम भी हो रहा है साथ साथ में। अभी आपने जम्मू से यानी सतवारी से आप आगे वाली साइड जाते हैं हाईवे पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है और लगता भी है, क्योंकि एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है जो कि रहने वाला है दिल्ली अमृतसर कटरा वाला एक्सप्रेसवे, उसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। कहीं कहीं पर आपको रोड के बीच में डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे, कहीं पर रोड सिंगल है और कहीं पर मशीनरी मैन सब लगे हुए हैं, उस वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाता है। और पिछले कुछ टाइम से काम काफ़ी अच्छी स्पीड से हो रहा है, ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा और कितना वाइड आपको देखने को मिलेगा। ब्रिज के ऊपर जो गार्डर्स रखे जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ये देख सकते हैं। तो ये बाकी अभी तो रोड को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि रोड बीच में कच्चा भी है और ब्लैक टॉपिंग भी हो रही है साथ साथ में, जैसा मैंने आपको बताया। और ये देख सकते हैं जैसे ही आपको एक जो बड़े वाले ब्रिज ख़त्म होंगे ना, तो उसी कुछ डिस्टेंस के बाद दूसरा ब्रिज का काम भी आपको शुरू होते हुए देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसकी हाइट भी अच्छी है, ये देख सकते हैं। और नीचे से आप देख सकते हैं खाली एक ही फाउंडेशन पिलर रखे और उसके ऊपर कितने ज़्यादा वाइड करके कितने ज़्यादा गार्डर्स रखे गए हैं, ये देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के भी दिखाऊँगा, बाकी आप देख सकते हैं देखने में अब भी इसे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मैक्सिमम जो बड़ा बड़ा काम था वो हो ही गया है इनका, ये देख सकते हैं फाउंडेशन पिलर्स भी रख दिए गए, गार्डर्स भी रख दिए गए, अब इनके ऊपर स्लैब वगैरह पड़ना बाकी है। बाकी आप देख सकते हैं देखने में ही कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और जैसा मैंने बताया आप ऐसे और भी अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेघर ब्लॉग्स करके फेसबुक पर पेज बना है तो उस पर भी ये वीडियो आएगी, तो आप उस पेज को ज़रूर फॉलो करें। और हो सके तो फेसबुक पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब वाले भाई भी शेयर करें, और कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ की चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। अभी कुछ टाइम रुकेंगे फिर उसके बाद फिर से वीडियोज़ आएंगे लगातार, दिसंबर में तो काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स आएंगे। काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हम ट्रैवल करते हैं, मैं ट्रैवल करता हूँ, अभी हम हिमाचल कसोल वगैरह गए थे बट हमने वो वीडियोज़ नहीं डाली। साथ में आप देख सकते हैं ये जो ब्रिजेस फ्लाईओवर रहने वाले हैं बिल्कुल सीधे नहीं है, हल्के से कर्व आपको देखने को मिलेंगे, जो पुराना वाला हाईवे था ना पुराना वाला रोड था उसके ऊपर ऊपर से उस हिसाब से ही फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं, तो अच्छी बात है, ज़्यादा लोगों का नुकसान वगैरह नहीं हुआ। और जैसे मैंने बताया हम ट्रैवल वगैरह करते हैं बट वो वाले ब्लॉग्स हम नहीं डालते, ज़्यादा हम अपडेट्स वाले ब्लॉग्स ही आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे मैं इसकी बात कर रहा था बीच में आपको काफ़ी जगह स्ट्रेट देखने को मिलेगा और बीच में आपको कर्व्स देखने को मिलेंगे फ्लाईओवर पे, क्योंकि पुराना वाला रोड की जैसे शेप थी ना उसी हिसाब से उसके ऊपर ऊपर से बनाया गया। और ये देख सकते हैं इतना आराम से आपको हमने पूरा डिटेल में दिखाया, और दूसरी वाली साइड भी हम दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा सिद्रा वाला एरिया जहाँ पे एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है वो भी दिखाएंगे इसी वीडियो में।
बाकी देख सकते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये अभी है नहीं कि अभी काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा या साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको टाइम लगेगा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, बट फिर भी स्पीड अच्छी खासी है। और जैसा कहीं कहीं पे मैंने आपको बताया, आप गर्टर्स रख दिए गए, कहीं पे अभी फाउंडेशन पिलर्स ही रखे गए, इनके ऊपर अभी गर्टर्स लिफ्ट करके रखे जाने हैं। ये देख सकते हैं पिलर के मार्किंग भी देख सकते हैं आप, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। और अब हम आपको चलते, जैसे आप कुंजवानी चौक से अंदर वाली साइड जाते हैं, सिद्रा वाले रूट के लिए जाते हैं, यहाँ पे भी आप एक्सप्रेस वे का काम देख सकते हैं, यहाँ पे भी फाउंडेशन पिलर रखे गए हैं, यहाँ पे आपको गोल शेप के देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी ब्रिजेस बन रहे हैं, और जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे रोड को वाइड भी किया जा रहा है। और बट ये वाला ब्रिज थोड़ा सा अलग है, ये वाला आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, और आप नीचे से ट्रैवल कर रहे हैं और नीचे ब्लैक टॉपिंग भी हुई हुई है, तो अभी रोड भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो ये देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा इस प्रोजेक्ट का काफ़ी बढ़िया काम हो भी चुका है, और काफ़ी जगह नीचे नीचे रोड कच्चा भी है और रिपेयरिंग हो ही रही है साथ में पुराने वाले रोड की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें, और फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कर दें।